हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई यानी कि किडनी में स्टोन होना है, किडनी स्टोन भी इसको बोलते हैं। और नेफ्रोलिथियासिस का अगर आपको एनसीपी कहा है बनाने के लिए तो भी ऐसा ही बनेगा। नेफ्रोलिथियासिस भी वही होता है रीनल स्टोन, सॉरी रीनल कैलकुलाई, रीनल स्टोन कुछ भी कह लो। और यूरोलिथियासिस भी वही होता है। तो यूरोलिथियासिस में तो जैसे यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर में पथरी होना, स्टोन होना, और किडनी में जैसे रीनल पेल्विस में पथरी है तो वो फिर रीनल कैलकुलाई होता है। ठीक है, रीनल में किडनी में कहीं पर भी पथरी होना, स्टोन होना, वो रीनल कैलकुलाई है, नेफ्रोलिथियासिस है। उसके बाद सबसे पहले क्या है, देखो एनसीपी में पेशेंट का डाटा आप लिखोगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये पेशेंट का डाटा हम लिखेंगे, इस तरह से बनाया जाएगा। एक डायग्नोस बताना है पेशेंट, जो डॉक्टर है उनका नाम भी बता सकते हो आप, रीनल कैलकुलाई। ठीक है, नेफ्रोलिथियासिस इसको बोलते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको सारे नाम बता दिए इसके, रीनल कैलकुलाई के। तो कुछ भी टॉपिक हो आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं प्रेजेंट इलनेस, पेशेंट की हिस्ट्री बतानी है, प्रॉब्लम क्या उसको। चीफ कंप्लेंट में उसको पेन हो रहा है लेफ्ट फ्लैंक, यानी लेफ्ट साइड में उसे पेन है 2 साल से, और बर्निंग मैच्यूरेशन भी उसको है। और पास्ट हिस्ट्री में वो होम्योपैथिक कोई मेडिसिन उसने ली हुई है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम आपको बिल्कुल उतारना है, सेम एज इट इज़। जो भी आपके पेशेंट कंप्लेंट है आपकी डायरी में, आप सब कुछ नोट कर सकते हो, वो आप लिखोगे इसमें। सर्जरी अगर कोई पेशेंट की हुई है, जैसे रीनल स्टोन को रिमूव करने के लिए भी सर्जरी होती है, तो अगर हो चुकी है तो आप लिखोगे। अगर प्लान करा है तो आप लिख सकते हो प्लान फॉर सर्जरी, नेम लिख देना सर्जरी का। और सर्जरी नहीं हुई है तो इसमें नो लिखा है। फैमिली हिस्ट्री हम लिखेंगे तो फैमिली मेम्बर्स के नेम इसमें आ जाएंगे, पेशेंट के सारे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, और पेशेंट का साथ उनका क्या रिलेशन है, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, एजुकेशन, ये सारा आप लिख सकते हो उसमें। उसके बाद फैमिली ट्री बनाना है। ये देखिए फैमिली ट्री है और ये पेशेंट का। आपको की बताना है कौन कौन से कीज़ है, यानी कि मेल, फीमेल और पेशेंट। हेल्थ फैसिलिटी नियर होम, ये पूरा फॉर्मेट जैसे एनसीपी में आता है वो आपको बताना है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उनका बताना है। फिर पर्सनल हिस्ट्री आप बता सकते हो, डाइट्री और कुछ एडिक्शन वगैरह है किसी चीज़ का। पर्सनल हाइजीन कैसा है उनका, एलिमिनेशन के बारे में, जिसमें कि उनका बाउल और ब्लैडर हैबिट इसमें आ जाता है। फिज़िकल असेसमेंट आ जाता है नेक्स्ट इसमें, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी। तो ये पैरामीटर्स जो हमारे होते हैं वो लिखने हैं आपको, नॉर्मल बताने हैं और पेशेंट के पैरामीटर्स बताने हैं। फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन हेड टू टो जो हम करते हैं वो आपको फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है। जनरल अपीयरेंस, मेंटल स्टेटस कैसा है पेशेंट का, स्किन की कैसी कंडीशन है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम मिलती है तो आप लिखोगे, नहीं तो सब कुछ नॉर्मल बता सकते हैं। तो ईयर्स, माउथ एंड फेरेंक्स, फिर चेस्ट का एग्जामिनेशन, फिर अब्डोमिन का एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सट्रीमिटीज़ का, बैक का और जेनिटल एंड रेक्टम एरिया का। फिर आती है इन्वेस्टिगेशन, तो पेशेंट की जो जो इन्वेस्टिगेशन हुई हैं उनका आप नाम बताओगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि उसका रैंडम ब्लड शुगर हुआ है, आरएफटी हुआ है, एलएफटी हुआ है, ये सब पेशेंट का हमारा हुआ है। पेशेंट की फाइल से आप नोट कर सकते हो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो भी हुई है। हो सकता है उसका अल्ट्रासाउंड भी हुआ हो, होल अब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है इसमें, तो वो आप नोट कर सकते हो कि यूएसजी होल अब्डोमेन डन, और उसमें जो भी फाइंडिंग्स मिली है, रिपोर्ट मिली है, वो आप लिख दोगे। ठीक है, मेडिकेशन देखो उसमें इनसेप्ट्रेक्सोन एक एंटीबायोटिक है, ट्रामाडोल पेन के लिए देते हैं, एनाल्जेसिक होता है ये, और फिर पेंटॉप है जो कि एंटासिड होता है, प्रोटोन पम्प इनहिबिटर इसका एक्शन है, एंटासिड लिख सकते हो उसको। एमसेट होता है जो कि वॉमिटिंग के लिए, यानी कि एंटी इमेटिक एक्शन इसका, वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है ये। बी कॉम्प्लेक्स है, मल्टीविटामिन है ये। तो इस तरह से ये मेडिसिन हैं पेशेंट की हमारे, जो पेशेंट को मेडिसिन दे रही है उनका डोज भी है इसमें, देखो टाइम भी है, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी होती है दिन में कितनी बार देते हैं, बीडी यानी 2 बार, टीडीएस यानी 3 बार, एसओएस इमरजेंसी अगर ज़रूरत है तब भी देते हैं। बी कॉम्प्लेक्स एसओएस लिखा है, बट आप इसको भी ओडी या बीडी लिख सकते हो। ठीक है, इसको भी आप ओडी या बीडी कर सकते हो। एसओएस में आपका, मुझे लगता है एसओएस में जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस आप लोग लिखोगे ना, कम से कम 5 तो एनलिस्ट कर लेना पहले, उसके बाद आप 3 एक्सप्लेन करना। तो 1 by 1 करके आपको नर्सिंग डायग्नोस को एक्सप्लेन करना है। इसमें पहला जो डायग्नोस है वो नॉलेज डेफिसिट का लास्ट में करना। देखो पहला डायग्नोस दिखाती हूँ, पहला डायग्नोस आप ये बनाना, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन का रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ कैलकुलाई
यानी कि स्टोन है, उस वजह से यूरिनरी एलिमिनेशन, यूरिन प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा आपको बताना है पेशेंट का, फिर प्लानिंग करना, इंटरवेंशन करना है, रैशनल और इवेल्यूएशन। उसके बाद आप देखो सेकंड डायग्नोसिस ये बना लो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट का, एक आपका ये डायग्नोस हो जाएगा। ये ना इसमें दूसरी लैंग्वेज लिखी है तो आप इसको नॉर्मल उसमें लिख लेना जो भी पेशेंट कंप्लीट करता है, यानी कि वो सब्जेक्टिव डाटा में आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो। तो इस तरह से आपका ये भी बन जाएगा सेकंड डायग्नोस फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट का। अगला जो डायग्नोस है वो हमारा है नॉलेज डेफिसिट का, तो इसमें भी सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट की कंप्लेंट्स आप लिखोगे, ये दूसरी लैंग्वेज का है ना इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा है, यानी कि पेशेंट की जो लैंग्वेज थी उसमें, बट आपको वो अपना इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो उसको। कई बार ऐसा होता है कि एनसीपी में ना जो पेशेंट की कंप्लेंट होती है, जो पेशेंट बोलता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम, या फिर वो हिंदी में बोल रहा है तो हिंदी में भी लिख देते हैं, तो आप उसको वैसे लिखना जो पेशेंट कंप्लेंट करेगा। ये लैंग्वेज दूसरी है और ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हो, और नॉलेज यानी कि नॉलेज पेशेंट को नहीं है उसकी बीमारी के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, सर्जरी प्रोसीजर इन सब के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है उसको, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ टीचिंग देना है, उसके डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर करना है, ये इसमें हम लोग करते हैं। तो ये था हमारा जो आज का एनसीपी रीनल कैलकुलाई या फिर नेफ्रोलिथियासिस का या फिर रीनल स्टोन का। यूरोलिथियासिस का बना रहे हो तो भी आप आराम से बना सकते हो ये वाला, ठीक है। इन सभी में टॉपिक्स में ये वाला एनसीपी जो मैंने आपको दिखाया ये फॉलो होगा, आपको हेल्प हो जाएगी बनाने में। दोस्तों जो भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।